भोजपुर पुलिस को आज दो बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक बार फिर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है। भोजपुर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए से अधिक के शराब को बरामद किया है। वहीं दो शराब माफियाओं को भी धर दबोचा है। भोजपुर की गढ़हानी थाना पुलिस ने हथियार के बल पर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। इन मामलों की जानकारी भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी है। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि मद्य निषेध इकाई पटना द्वारा सूचना मिली थी कि पंजाब से एक ट्रक में शराब माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब आरा लाया जा रहा है। इसके बाद मेरे निर्देश पर एएसपी सदर चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में कोइलवर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार व थाना के पुलिस बल एक साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा पटना आरा बक्सर फोर लेन पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर राजस्थान नंबर के एक 10 चक्का ट्रक की जांच की गई, तो 17,304 बोतलों में बंद 5,292 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बरामद बोतलों में 180 ml एम्पीरियल ब्लू की 10,752 बोतल, 750 ml एम्पीरियल ब्लू की 2,400 बोतल, 375 ml एम्पीरियल ब्लू की 4,152 बोतल है। इस दौरान दो शराब माफिया जिनमें राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिंदरी थाना के भाखड़ी निवासी मेहरा राम, ओडू धुरियावास निवासी नैनू राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराब माफियाओं के पास एक मोबाइल व 11,450 रुपये नकद बरामद किया है। वहीं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने दूसरे मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि भोजपुर की गढ़हनी पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस व एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। इस सेमराव निवासी लाल बिहारी सिंह का पुत्र सोनू कुमार यादव है, जिस पर हत्या, लूट, रंगदारी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है। पहला मामला गढ़नी थाना क्षेत्र का है। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि 25 अगस्त को एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें से एक अभियुक्त एक दुकान में जाता है और गढ़नी थाना क्षेत्र के बाजार में, और वहां के जो है जो मिठाई वाले की दुकान थी उनसे कुछ कहा सुनी करता है और एक पिस्टल निकाल के वो धमकाते हुए एक वीडियो भी आता है। तो उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको चिन्हित करते हैं, एक टीम का गठन करते हैं और उस टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है वो अभियुक्त जो है उसके बाद अपने घर से फरार हो गया था, लेकिन कल जो है उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थाना अध्यक्ष गढ़नी के द्वारा। और इस अभियुक्त का नाम है सोनू कुमार यादव और यह जो है अपना आया हुआ था गांव और वहां से निकलने वाला था, किसी अन्य जगह संभवतः किसी घटना के फिराक में था। और उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास से जो है एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल उसकी जब्त हुई, और साथ में जो है जो मोटरसाइकिल थे जिससे घटना पहले धमकी देने गया था और किसी घटना के इरादे से निकल रहा था, तो उस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और इस तरीके से इसका जब हम लोग का आपराधिक इतिहास संभाले तो आपराधिक इतिहास से पूर्व में भी ये अज्ञात गढ़नी थाना खंड संख्या 5/22/302 का मामला यानी हत्या के मामले में 2022 में भी ये जो है इसमें वांछित था, और साथ में चरपोखरी थाना खंड संख्या 21 में जो है 307 और 302 का और आर्म्स एक्ट का भी अभियुक्त रहा है। यानी यह एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है हमारे लिए, क्योंकि ये हत्या और गंभीर जैसे कांडों में आर्म्स एक्ट के वांछित था। इस तरीके से उसकी गिरफ्तारी से निश्चित ही जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि गढ़नी क्षेत्र में प्राप्त हुई है। भोजपुर पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, और उसी कड़ी में जो है कल कोइलवर थाना क्षेत्र में जो है एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि एक शराब जो है से लदी हुई जो है ट्रक है और ये आ रही है यूपी साइड से, जो पंजाब साइड से जो आई है, और इसके जैसे हम लोग सूचना प्राप्त होती है तो इसके हमारा जो टीम थी कोइलवर थाना की, इन्होंने जब छापेमारी की, छापेमारी के क्रम में जो है ये टोल प्लाजा के आगे जो है इसको जो है जब चेक किया गया, रोका तो भागने की कोशिश की, लेकिन इसको किसी तरीके से पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत जो ट्रक था जो राजस्थान नंबर RJ14 नंबर से था, राजस्थान नंबर से जो पंजाब से आ रहा था, इसकी जब तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में दो इसमें जो शराब तस्कर थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और साथ में टोटल
5,292 लीटर यानी लगभग 5,300 लीटर अंग्रेजी शराब, और जिसमें सारा इंपीरियल ब्लू की अलग अलग जो है क्वांटिटी की जो है बोतल थी, और इसको जो है जब्त किया गया, और साथ में एक मोबाइल जब्त किया गया, और इनके पास से 11,450 रुपये भी जब्त किया गया। और ये दोनों शराब तस्कर जो है ये राजस्थान के रहने वाले हैं, एक का नाम नैनो राम, पिता उदाराम, यह सिंदरी बाड़मेर जिला का रहने वाला है। दूसरा मेहरा राम, ये भाकड़ी सिंदरी बाड़मेर का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी से निस्संदेह इस क्षेत्र में शराब तस्करी पे जो है थोड़ा रोक लगने की हम लोगों की जो मुहिम लगातार कर रहे हैं इसमें सफलता मिलेगी, और इन्होंने भी कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं। और आप लोगों को पता है पूर्व में भी हम लोग जो कुछ सूचनाएँ जो अभी गिरफ्तारी किए थे उससे भी सूचना मिली है, उससे ये सफलता मिल रही है, और आगे भी लगातार भोजपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। इसका मूल्य देखिए जो वैसे वहाँ से जो प्रिंटेड है वो तो कम रहता है, लेकिन इनसे जो पूछताछ प्राप्त हुआ है तो ये जो है कि 50 लाख से ऊपर का ही है। अब जितना ये बाजार में इसको बेच सकते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में ये डिपेंड करता है कि कहाँ बेच रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अवैध रूप से जब बेचते हैं तो ये ज़्यादा पैसा लेते हैं और ऐसे बेचते हैं।